दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 3 महीने बाद अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली की जनता और देश से बीच रास्ते में इस्तीफा दे देने के लिए माफी मांगी है और कहा कि पार्टी चुनावों के लिए तैयारी करेगी। 49 दिनों के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि वर्तमान परिदृश्य में उनकी पार्टी द्वारा दिल्ली में सरकार बनाए जाने की संभावना ना के बराबर है। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे। मंगलवार को केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की थी, जिसमें विधानसभा भंग न करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा गया था, जिसके कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि अगर आप फिर से सरकार बनाने का प्रयास करेगी तो वह उसे समर्थन नहीं देगी। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी समर्थन मांगती है और दूसरी तरफ मीडिया में कुछ और बयानबाजी करती है। ये लोग अपना स्टैंड हमेशा बदलते रहते हैं और जनता को धोखा देने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के यहाँ आदमी भेजते हैं, फोन करते हैं, SMS करवाते हैं कि समर्थन देना चाहिए, और अखबारों में खबर छपवाते हैं कि कांग्रेस समर्थन देना चाहती है, हम समर्थन लेने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा फिर से सरकार बनाने का प्रयास करना जनता के साथ धोखा होगा। भाजपा नेता हर्षवर्धन ने कहा कि जब देश भर में जनता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नकार दिया है, तब उसे सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जब इन दोनों का देश भर से सफाया हो गया है, इनकी पॉलिटिक्स जो भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी के साथ जुड़ी है, उसको सारे देश ने रिजेक्ट कर दिया। आपने पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और उसने कांग्रेस के बाहर से समर्थन से सरकार बनाई थी। वहीं भाजपा ने 70 सदस्य विधानसभा में अकाली दल के एक विधायक सहित 32 सीटें जीती थी। भाजपा के विधायकों की संख्या अब घटकर 28 हो गई है, क्योंकि पार्टी विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश विधुड़ी और परवेश वर्मा सांसद चुन लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक तुरंत ताजा चुनाव कराने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें डर है कहीं अभी तुरंत चुनाव होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी की लहर उन्हें बहा ले जाए, यानी फिर से चुनाव जीत कर आना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन ये चुनौती उनके सामने जल्द ही सामने होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फिर से चुनाव में जाने का फैसला किया है। कैमरामैन हेमंत कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।